नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं पाठ नंबर 2 लघु कथाएं। इसका पहला भाग उषा की दीपावली को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जिसमें लेखिका ने लघु कथा के माध्यम से यह संदेश दिया था कि हमारे समाज में जहां एक ओर थालियां भर भर जूठन छोड़ने वाले लोग हैं, तो दूसरी ओर अनाज के एक एक कोर को तरसते हुए लोग भी हैं। हमें अनाज की बर्बादी ना करते हुए उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो सके। आज हम इसी लघु कथा का दूसरा भाग पढ़ेंगे, जिसका नाम है मुस्कुराती चोट। इस लघु कहानी में लेखिका ने बताया है कि धन की कमी के कारण पढ़ाई ना करने की मजबूरी और दूसरी तरफ अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए हर कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए वह बच्चे जिनके मन में पढ़ाई पूरी करने की अनोखी इच्छा देखने को मिलती है। यह कहानी हर कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अब हम पढ़ेंगे लघु कथा कहानी का अ भाग, कुराती चोट। लघु कथाएं कहानी का अ भाग पढ़ने से पहले लेखक परिचय पढ़ना आवश्यक है, तो अब हम पढ़ेंगे लेखक परिचय। संतोष श्रीवास्तव का जन्म 23 नवंबर 1952 को मंडला मध्य प्रदेश में हुआ। आपने MA इतिहास, हिंदी, BEd तथा पत्रकारिता की उपाधियां प्राप्त की। उपाधियां होता है डिग्री, नारी जागरूकता होता है नारी को जागृत करना, और उसकी असमिता को की पहचान आपकी लेखनी के विषय हैं। आपकी रचनाओं में एक और वर्तमान स्थितियों, वर्तमान मतलब आज के हालात, तथा सामाजिक विसंगतियों का अर्थ होता है समाज में फैली हुई बुराइयों का चित्रण दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है। तो वहीं दूसरी ओर जीवन जीने की छटपटाहट और परिस्थितियों से लड़ने की सार्थक सोच भी है। श्रीमती संतोष वास्तव ने अपनी रचनाओं में नारी विषय को अधिक महत्व दिया है और अपनी रचनाओं में नारी को जागृत करने का प्रयास भी किया है। इसके अतिरिक्त समाज की में फैली बुराइयों को बताने की कोशिश भी की है। अब हम पढ़ेंगे इनकी प्रमुख कृतियाँ। प्रमुख कृतियाँ मतलब प्रमुख रचनाएं। बहके बसंतुम, बहते ग्लेशियर कहानी संग्रह, दबे पांव प्यार, टेम्स की सरगम, ख्वाबों के पहरन उपन्यास, फागुन का मन ललित निबंध संग्रह, नीली पतियों का शायराना हरारत यात्रा संस्मरण आदि। विधा परिचय। लघु कथा हिंदी साहित्य में प्रचलित विधा है। यह गद्य की ऐसी विधा है जो आकार में लघु लघु होता है, छोटी, पर कथा के तत्वों से परिपूर्ण है। लेकिन कहानी में जिस विषय को लिया जाता है उस विषय को पूरी तरह से ये छोटी छोटी कहानियाँ क्या करती हैं, स्पष्ट करती हैं। कम शब्दों में जीवन की संवेदना होता है हमदर्दी, पीड़ा का अर्थ होता है दर्द, आनंद को सघनता और गहराई से प्रस्तुत करने की क्षमता होता है ताकत, इनमें होती है। किसी परिस्थिति या घटना को लेखक अपनी कल्पना का पुट देकर रचता है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, डॉक्टर सतीश दुबे, संतोष सुपेकर,
और कमल चोपड़ा आदि प्रमुख लघु कथाकार हैं। तो लघु कथाकार में जिन लेखकों के नाम यहाँ दिए गए हैं, उन लेखकों के नामों को आपने विशेष रूप से ध्यान देना है और उन्हें पढ़ना है, क्योंकि आपको साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, इससे संबंधित प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं, तो उसमें इसी तरह के प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। इसलिए लेखक परिचय, प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय, इन विषयों पर आपने ध्यान देना है और इन्हें याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे पाठ परिचय। मुस्कुराती चोट। लघु कथा आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई ना कर पाने की विवशता, विवशता होता है मजबूरी, तथा मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखने की अदम्य होता है अटल इच्छा को दर्शाती है। यह बाल मजदूरी जैसी समस्या को इंगित करते हुए हौसला देती है, आशावाद को बढ़ाती सकारात्मक और संवेदनशील लघु कथा है। मेरे बाबा बीमार थे, उनकी दवाई राशन के लिए पैसे चाहिए थे। माँ चार घर में चौका बर्तन करके जितना लाती वह सब बाबा की दवाई और घर में ही लग जाता। बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पर पढ़ाई के प्रति लालसा, लालसा होता है इच्छा, बनी हुई थी। उस दिन भी तराजू पर रद्दी तोलते हुए बबलू की नज़र लगातार स्कूल की उन किताबों पर थी जिसे रद्दी में बेचा जा रहा था। वह चाह रहा था कि वे किताबें उसे मिल जाएं। इस परिच्छेद में लेखिका ने एक छोटे बालक की घर की विवशता को बताया है कि किस तरह से एक छोटा बच्चा कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। घर में उसके पिता बीमार हैं और घर का राशन और दवाइयों का खर्चा पूरा करने के लिए उसकी माँ को घर में लोगों के घरों में जाकर चौका बर्तन का काम करना पड़ता है। तब कहीं जाकर वह उसके बाबा की दवाई और घर का खर्चा कर पाती है। ऐसी परिस्थिति में बबलू की पढ़ाई जो है वो बीच में ही क्या हो गई है, छूट गई है। माँ को सहारा देने के लिए अब बबलू को विवश होकर घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना पड़ता है, लेकिन उसके मन में अभी तक पढ़ाई की इच्छा बनी हुई है। एक दिन तराजू पर रद्दी तोलते हुए बबलू की नज़र स्कूल की किताबों पर पड़ी जिसे रद्दी में बेचा जा रहा था। वह मन में सोचने लगा कि ये किताबें अगर उसे मिल जाएं तो वह अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएगा। स्कूल नहीं जाता तू, तेरे माँ बाप जो तुझसे काम कराते हैं। घर की मालकिन ने तराजू के कांटे पर नज़र जमाए कहा। तभी उनकी कॉलेज के लिए तैयार होती लड़की ने कहा, माँ बाल मजदूरी तो अपराध है ना? हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। बबलू को बुरा लगा, उससे अपशब्द सहे नहीं गए। यहाँ पर एक छोटे से बच्चे की इतनी विवशता बताई गई है कि किस तरह से जब वो घर घर जाकर रद्दी बेचता खरीदता है और लोगों के घरों में जाकर उसे किस तरह के अपशब्द जो हैं वो सुनने पड़ते हैं, लेकिन विवश होकर वह उन अपशब्दों को सुनते हुए सहन करता है। इसी तरह एक घर में जब वह रद्दी ले रहा था तो घर की मालकिन ने तराजू पर नज़र टिकाते हुए उससे पूछा कि तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम्हारे माँ बाप भी कैसे अजीब हैं जो तुम्हें काम पर
लगा दिए हैं और स्कूल नहीं भेजते हैं। तभी उसके उस मालकिन की बेटी जो है वो यह परिस्थिति देखकर माँ से तुरंत कह उठती है कि माँ, बाल मजदूरी तो अपराध है, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। बबलू को ये सब बातें सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन विवशता के कारण वह कुछ भी ना कह पाया। तो इस तरह ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हुए यह छोटा सा बालक कैसे हालात का सामना कर रहा है, लेकिन मन में एक इच्छा बनी हुई है कि उसे आगे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। स्कूल बप्पा ने भेजा था मेम साहब, पर उनके पास किताबों के लिए पैसे ना थे, इसलिए पढ़ाई रुक गई। माँ, इससे इन किताबों के पैसे मत लो, इसके काम आएंगे, वह इनसे अपनी पढ़ाई कर लेगा, कुछ नहीं होता इनसे, हम फ्री में देंगे। और यह रद्दी पेपर के मालिक से किताबों के पैसे ले चाट पकौड़ी में उड़ा देगा, इनके बस का नहीं है पढ़ना। बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठा सीधा घर पहुंचा। उसने बोरे में से किताबें निकालकर अलग रख दी, फिर बोरा लेकर वह रद्दी पेपर के दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार ने रद्दी तोल किनारे रखी। तो वह जिसके घर में बबलू रद्दी ले रहा था, बबलू की ऐसी परिस्थिति को देखकर उस मालकी ने पूछा कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें स्कूल क्यों नहीं भेजा। तो वह विवश होकर वह अपनी विवशता को बताता है कि मेरे पिता के पास पढ़ाई के लिए पैसे ना थे, इसलिए मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही रोकनी पड़ी। उस बच्चे की ऐसी बातों को सुनकर जो उस मालकिन की बेटी थी, उसने तुरंत कहा कि माँ, इससे किताबों के पैसे मत लो, लेकिन वह महिला तुरंत कह उठी कि इन्हें फ्री में किताबें देने का कोई अर्थ नहीं है, यह बच्चे इन्हीं किताबों को रद्दी में बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे चाट पकौड़ी खाकर अपना पेट पालेंगे, इनके बस का पढ़ना नहीं है। बबलू ने रद्दी के पैसे वहाँ चुकाए और किताबों का बोरा उठाया और सीधा घर पहुँचा। घर पर जो उसकी पढ़ाई की किताबें थी, उसे उसने उन किताबों के बोरे से निकाल लिया और फिर बाकी की किताबें दुकानदार के पास पहुँचा दी। दुकानदार ने रद्दी को तोला और किनारे रख दिया। पैसे तो बचे होंगे तेरे पास, जा सामने के ठेले से बड़ा पाव और चाय ले आ, फिर हिसाब कर। बबलू सर झुकाए खड़ा रहा। दुकानदार बार बार बोलता रहा, पर बबलू टस से मस ना हुआ। अब दुकानदार से रहा नहीं गया, वह झल्ला उठा। झल्ला उठना मतलब गुस्से में आ जाना। अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं, रुपए खर्च हो गए सेठ, क्या तेरे पैसे थे जो खर्च कर दिए। दुकानदार ने उसको बुरी तरह से डांटा। डांट खाने के बावजूद वह मुस्कुरा रहा था। अब वह स्कूल जा सकेगा, उसके पास भी किताबें हैं। वह घर की ओर लौट पड़ा। अब यहाँ पर इस परिच्छेद में बताया गया है कि किस तरह से रद्दी खरीदने वाला भी उस बच्चे की विवशता का फ़ायदा जो है वो उठाना चाहता था। उसके मन में यह शंका थी कि अभी भी इसके पास जो मैंने पैसे दिए हुए हैं, वह पैसे अभी इसके पास बचे होंगे। तो वह उससे कहने लगा कि रद्दी के जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे, वो पैसे अब तुम्हारे पास बचे हैं, तो जाकर तुम उन पैसों से वड़ा पाव और चाय लेकर आओ, फिर पैसे का हिसाब करेंगे। बबलू सर झुकाए खड़ा रहा। दुकानदार बोलता रहा, लेकिन वह वहाँ से टस से मस ना हुआ। टस से मस ना होना कुछ ना कह पाना। अब दुकानदार से नहर आ गया और वह चिल्ला उठा,
तो फिर विवश होकर बबलू ने कहा कि जो पैसे थे वह खर्च हो गए। दुकानदार ने उसे बहुत बुरी तरह से डांटा, लेकिन आज वह मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसके मन में एक अनोखी खुशी थी, और वह खुशी यह थी कि उसे उसी रद्दी में से अपनी पढ़ाई की किताबें जो है वो मिल गई थी। आज उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि अब वह स्कूल जा सकेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास अब वह सब किताबें हैं जो उसे चाहिए थी, और यह मुस्कुराहट के साथ वह अपने घर की ओर लौट पड़ा, लेकिन एक नई मुस्कुराहट के साथ। घर लौटते हुए रास्ते में वही सुबह वाली मालकिन और उनकी लड़की मिल गई। उसके हाथ में किताबें देख मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसे सुबह कहे हुए अपने ही अपशब्द याद आ गए और अपने ही शब्दों पर अपराध बोध हो गया। बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा को देखकर उसने निश्चय किया कि अब उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा वे ही उठाएगी। बबलू की खुशी का ठिकाना ना था। इस परिच्छेद में बबलू जब अपने घर खुशी-खुशी लौट रहा था कि आज तो उसको किताबें मिल गई हैं और इन्हीं किताबों से वह स्कूल जाएगा और अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। तो रास्ते से जब वह गुजर रहा था तो वही सुबह वाली मालकिन और उसकी लड़की उसे रास्ते में मिल गए। उसके हाथ में किताबों को देखकर मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वह बहुत प्रसन्न हुई और उसने जो सुबह उसे अपशब्द कहे थे वह सब अपशब्द जो हैं उसे याद आने लगे। बबलू की पढ़ाई के प्रति ऐसी लालसा को देखकर उसने यह निश्चय किया कि अब आगे की पढ़ाई का पूरा खर्चा वही उठाएगी। यह सुनकर बबलू की खुशी का ठिकाना ना रहा। ये कहानी फैसला लघु कथा संग्रह से ली गई है। इस कहानी में लेखिका ने यह संदेश दिया है कि हर मनुष्य को कठिन परिस्थिति के समय एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा और गरीब व्यक्ति जो है वो भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा। इसके अतिरिक्त सरकार को भी ज़रूरतमंद बच्चों की समय पर सहायता करनी चाहिए, जिससे गरीब बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें और समाज में आगे बढ़ते हुए अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। धन्यवाद।